ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड दिस इज द एग्जांपल नंबर 7 ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो अब इसमें और पुराने वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें और पुराने वाले जो हमने अभी इसके पहले किया क्वेश्चन में, दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमारा डिवीजर है, इस डिवाइजर के जो ऑर्डर है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, किस प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है उसका, हमेशा उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में डालते हैं, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में डालते हैं। तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स मतलब सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद में उसकी सेकेंड हाईएस्ट पावर आएगी, और फिर उसके बाद में उसकी सबसे कम पावर है, सर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फॉर्म में होगा ये वाला पॉलिनोमियल। तो ऐसा इसमें कोई नया क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझना जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे 3x³ + x² + 2x + 5 को। तो ये क्वेश्चन हम जल्दी से करेंगे, इसके अंदर ज्यादा देर हमको लगेगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्या है हमारी, सबसे पहली चीज है कि हम सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को डिलीट करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो है 3x³। 3x³ को डिलीट करने के लिए हमको x² + 2x + 1 में क्या मल्टीप्लाई करवाए जिससे ये एक्स स्क्वायर जो है हमारा 3x³ बन जाए। सिंस यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चाहिए 3, तो ये 3 आ गया। फिर हमको जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो क्या है, x³ चाहिए। तो x³, एक्स स्क्वायर को x³ बनाने के लिए हम यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस एक्स स्क्वायर को हमको क्या बनाना है, x³ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब इस x का मल्टीप्लाई पूरी पॉलिनोमियल में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x³ + 6x² + 3x, ठीक है। तो आ गई हमारी पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम लिखते थे 3x और इस पॉलिनोमियल को उठा के ले जाते हैं हमारे डिवाइड में। ये हो जाएगा 3x³ + 6x² + 3x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव, इसका जो पॉजिटिव साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव, अगेन इसका जो पॉजिटिव साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, आप कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि यार हम जब डिवाइड करते हैं तो क्यों हम इसको साइन चेंज कर देते, जो नीचे वाली पॉलिनोमियल होती है क्यों हम उसका साइन चेंज कर दे। कई बार ये थॉट अपना हमारे दिमाग में आता होगा, मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, एक थोड़ी देर के लिए हम हमारे इस डिवाइड को स्टॉप करते हैं और ये रीजन पता करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सपोज करो कि हमको, मैंने आपको बोला है कि सब्ट्रैक्ट 3x³ + x² + 2x + 5 एंड 3x³ + 6x² + 3x। मैंने आपको बोला है सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, दूसरी वाली पॉलिनोमियल को पहली वाली पॉलिनोमियल में से डिवाइड कीजिए। तो आप क्या करोगे, पहले वाली पॉलिनोमियल लिखोगे, ब्रैकेट में डालोगे, फिर दूसरी वाली पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से। ऐसे ही कुछ करते हैं हम, ऐसे ही कुछ करते हैं कि पहले वाली पॉलिनोमियल को लिखा, माइनस का साइन लगाया और फिर दूसरी वाली पॉलिनोमियल लिखी और दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, 3x³ + x² + 2x + 5 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो पीछे वाली पॉलिनोमियल है इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगी इसकी वैल्यू -3x³ - 6x² - 3x, हो गए सभी के साइन चेंज। और देखो यहाँ पे भी हमने तीनों के अंदर माइनस के साइन लगा रखे थे, ये माइनस के साइन लगाए थे तीनों के अंदर, तो अल्टीमेटली सभी के साइन चेंज हो गए। तो ये साइन जो चेंज होते हैं ये, तो अब हम हमारे डिवाइड पर जब आएंगे तो क्या होगा, देखो ये दोनों तो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। क्यों कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स है बट विथ अपोजिट साइन। तो कभी भी सेम टर्म्स जो अपोजिट साइन के साथ में होती है वो हमेशा कैंसिल होकर जीरो हो जाती है, ठीक है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x², तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, 5x² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन किसका आएगा, तो साइन आएगा बड़े नंबर का और बड़ा नंबर है 6, तो यहाँ पे साइन बड़े नंबर का आ गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे भी 3 टू जा 6 क्या होता है, ये 3 टू जा सॉरी
फिर यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, तो यहाँ पे 1x बचेगा क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन बड़ा है नंबर का है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, और ये प्लस का 5 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे हमको लेके आना है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है हमारी 5x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, 5x स्क्वायर है नेगेटिव में, तो हम इस x² + 2x + 1 में क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि ये माइनस का 5x² आ जाए। तो सिंस x² तो है तो x का मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, फिर हमको क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए बस। तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई करवाने से ये क्या हो जाएगा, -5x² - 10x - 5, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने -5 का मल्टीप्लाई करवा दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा -5x² - 10x - 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अगेन वही माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। तो अब ये जो 3 साइन्स है हमारे, इन तीनों के ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो हमको नीचे वाले साइन का यूज करना है इनमें। अब ये माइनस का 5x² है, ये प्लस का 5x² है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1x + 10x, तो प्लस का 9x बचेगा क्योंकि तो साइन बड़े नंबर का आता है और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का 5 और प्लस का 5 हो जाएगा 10। तो अगेन वी गॉट दी आंसर, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वेश्चन, एंड ये आपके डिविडेंड और डिवाइजर तो थे ही सही। ठीक है, तो यू गॉट दी आंसर। तो इस तरह से आपको ये डिवीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।